डीप फेक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इन दिनों डीप फेक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में डीप फेक के मामले सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिनका शिकार आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक हो रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही रश्मिका मंदाना के साथ डीप फेक का मामला सामने आया था, जो AI के जरिए बनाया गया था। उसके बाद कैटरीना कैफ की फोटो और सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और उनके रूमर्स बॉयफ्रेंड शुभमन गिल की साथ में एक फोटो भी वायरल हुई थी। और ऐसे ही अभिनेत्री काजोल का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे ही कई लोगों के डीप फेक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वहीं अब डीप फेक के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने इस पर नियम बनाने की तैयारी कर ली है। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार को डीप फेक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ मीटिंग की, जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हुए थे। चलिए बताते हैं आपको क्या होता है डीप फेक और क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में। डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करते हुए किसी तस्वीर या वीडियो में मौजूद व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को दिखा दिया जाता है। इसमें इतनी समानता होती है कि असली और नकली में अंतर करना काफी मुश्किल हो जाता है। किसी और का चेहरा इस्तेमाल किया जाता है और उसको फेक तरीके से वायरल किया जाता है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ हुई मीटिंग में चार मुद्दों पर बात हुई और उन पर जोर डाला गया। वो मुद्दे थे, पहला, डीप फेक का पता कैसे लगाया जा सकता है। दूसरा, डीप फेक पोस्ट करने से कैसे रोका जा सकता है। तीसरा, फेक चीजों को वायरल होने से रोकना। चौथा और आखिरी, सरकार, इंडस्ट्री और मीडिया की सहायता से जनता को डीप फेक के बारे में कैसे जागरूक करें। इस बैठक के बाद IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लोगों की साख खतरे में आ सकती है, इसलिए इसके खिलाफ तुरंत कदम उठाया जाएगा और नियम तय किए जाएंगे। IT मंत्री ने कहा कि हम सभी इस बात पर सहमत करते हैं कि सरकार जल्द ही डीप फेक के खिलाफ स्पष्ट और कार्रवाई योग्य कानून लेकर आएगी। टेक कंपनियों ने कहा कि डीप फेक को फ्री स्पीच समझकर नहीं छोड़ा जा सकता, यह पब्लिक के लिए नुकसानदायक है, जो लोगों की इमेज खराब करती है। वहीं डीप फेक को रोकने के लिए तीन सख्तियां अपनानी होंगी। सबसे पहले, कंटेंट वेरीफाई टूल का होना अनिवार्य है। अगर ये फीचर होगा तो कंटेंट वेरीफाई होगा ये असली है या फिर नकली। दूसरा, 36 घंटे के भीतर फेक वीडियो नहीं हटाया गया प्लेटफॉर्म से तो इंटरमीडिएट की सुविधा खत्म हो जाएगी, जो उसे RTA एक्ट के तहत मिली है। तीसरा, सहायक ऐप की उपलब्धता पर रोक हो, जो फेक और डीप फेक वीडियो तैयार करती है, ये इजीली गूगल और प्ले स्टोर पर उपलब्ध ना हो। इस मीटिंग के बाद IT मंत्री ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि अगली मीटिंग दिसंबर के पहले वीक में होगी। इस मीटिंग के बाद IT मंत्री ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि अगली मीटिंग दिसंबर के पहले वीक में होगी और सरकार उन मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का जायजा लेगी, जिन पर गुरुवार को चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्मों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि तब तक वे अपनी नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार डीप फेक से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। वहीं मंत्री ने जोर देकर कहा, जवाबदेही डीप फेक बनाने वाले और उन्हें पोस्ट करने वालों प्लेटफॉर्मों दोनों की ही होगी और सरकार डीप फेक बनाने वाले रचनाकारों और प्लेटफॉर्मों के लिए जुर्माने को लेकर भी गौर करेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।